तो गाइस देखिए मैं निकल गया हूँ, अब मैं आपको वहीं पर मिलता हूँ। वो राम हाय फूडीज, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ईटी स्ट्रीट कोलकाता में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, आज का टॉपिक क्या है वीडियो का। ऑलराइट गाइस, आज मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ प्योर 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 वेज मिलता है, वहाँ कुछ भी नॉन वेज नहीं मिलता है। और एक नहीं दो नहीं, वहाँ जितने भी सब दुकानें सब वेज ही बेचते हैं, वहाँ कुछ भी नॉन वेज नहीं रहता है। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राम मंदिर का। तो वहाँ का आज मैं डोसा स्ट्रीट फूड ट्राई करने वाला हूँ। इस परिवार से नहीं जुड़े हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबा के उसके बगल में एक बेल आइकन से भी दबा के इस परिवार का हिस्सा बने और अपना प्यारा प्यारा आइडिया और अपने प्यारे प्यारे आइडियोलॉजी मुझे कमेंट बताएं, मेरा वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट बताएं। ऑलराइट गाइस, तो मैं निकल गया हूँ, तब तक आप थोड़ा शॉर्ट्स एंजॉय कीजिए और चलिए मिलता हूँ। और राइट गाइस, जैसे कि आप देख सक रहे हैं मैं अपना ये डोसा ले लिया हूँ। तो देखिए ये मैं दो डोसा लिया हूँ, एक प्लेन डोसा लिया हूँ देखिए, और ये प्लेन है, उसके साथ ये देखिए सांभर है, देखिए कितना ये वेजिटेरियन से भरा हुआ है, क्वांटिटी भी ऑसम है। अभी ये देखिए ये चटनी है, ये कोकोनट की चटनी है और इसमें पता नहीं क्या क्या डालते हैं, बट ये जो भी है बहुत टेस्टी लगता है। देखिए इसमें राई दिख रहा है आपको, वाइट वाइट। चलिए अब मैं निकालता हूँ ये बटर डोसा। तो ये देखिए इसका कॉस्ट मुझे पड़ा है 35 का और इसका कॉस्ट पड़ा है मुझे 30 का। तो देखिए दोनों में, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, कहीं मैं भूल ना जाऊँ तो इसीलिए मैं एक पेन से लिख लेता हूँ कि कौन प्ले। देखिए गाइस, जैसे कि ये दोनों डोसा मैं ले लिया हूँ, कहीं मैं कंफ्यूजन में भूल ना जाऊँ तो मैं लिख लूँ इसमें कौन सा बटर है कौन सा ये है। तो देखिए मैं लिख ले रहा हूँ, इसमें बी लिख दे रहा हूँ बटर डोसा के लिए, ये बी बड़ा सा, K
ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो ये बटर डोसा रहा मेरा और ये मेरा नॉर्मल डोसा। तो चलिए जल्दी चलते हैं। तो गाइस देखिए इसे जल्दी जल्दी मैं अनरैप कर दे रहा हूँ। ये मेरा बटर डोसा, ये देखिए बी लिखा हुआ है इस दर, और ये मैं जल्दी जल्दी खोल दे रहा हूँ। देखिए कितना अच्छे से ये रैप किया हुआ है। देखिए ओ माय गॉड, ये केला के पत्ते में फुल्ली साउथ इंडियन टाइप्स का ये मेरा बटर डोसा है। इसे मैं सेट कर दे रहा हूँ। ये मैं एक और प्लेट ले रहा हूँ, ये मेरा मसाला डोसा है, तो इसे भी मैं जल्दी जल्दी खोल दे रहा हूँ। देखिए इसमें भी ये केला का पत्ता है, तो मैं कन्फ्यूज ना हो जाऊँ इसलिए बी लिख दे रहा हूँ पहले। मैं इसे दिखाता हूँ इसका खोल के स्टफिंग। देखिए ये कितना मतलब फुल्ली कलरफुल स्टफिंग है। ये देखिए पटैटो, ये देखिए टमाटो है, ये है ओनियन, माय गॉड 16 से ज़्यादा प्याज का दाम में बढ़िए भी ओनियन दे रहे हैं। ये देखिए बीट, ये है मटर। तो देखिए कितना कलरफुल लग रहा है ऑल। जैसे कि ये प्लेन है और ये बटरी मसाला डोसा है। तो चलिए जल्दी जल्दी स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहले मैं ये चटनी से स्टार्ट करता हूँ। कितना ठीक है, कितना अच्छा लग रहा है। देखिए इसे मैं पहले इसे ट्राई करता हूँ। इसमें मतलब ये नारियल का और ये देखिए ये राई का दाना है उसमें। अच्छा सा मतलब एक क्रीमी टेक्सचर फील आ रहा है थोड़ा सा। ये डिलीशियस है। अब मैं ये देखिए सांभर ट्राई करता हूँ। देखिए मतलब ये प्योर जो बोलते हैं साउथ इंडियन डिशेस, ये पूरा उसका कमाल है। इसमें थोड़ा सा मीन्स टू से थोड़ा सा खट्टापन, टैंगीपन और पम्पकिन मतलब और वेजिटेबल्स का स्वाद आ रहा है। तो चलिए अभी ये मैं प्लेन डोसा को ट्राई करता हूँ, आपको बताता हूँ ये कैसा है। अमेजिंग गाइस, अमेजिंग। ये मतलब प्लेन डोसा में आपका ये क्या बोलते हैं सोया ऑयल का थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल का फ्लेवर है। और ये देखिए कितना लॉट्स ऑफ वेजिटेबल, मतलब बहुत ये हेल्दी है, बहुत टेस्टी है, मतलब ऑसम है। अब फटाफट मैं ये बटर मसाला डोसा ट्राई करता हूँ, बताता हूँ आपको कैसा है ये। देखिए अमेजिंग गाइस, पूरा इसमें बटर का फ्लेवर आ रहा है, बहुत ही मतलब ये तो है ही, ये तो देखिए ये तो है ही टेस्टी, बट इसमें जो बटर का टेस्ट आ रहा है ना ऑसम है गाइस, ऑसम। तो अगर आप कभी भी राम मंदिर जाएं तो प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत चीपेस्ट भी है और बहुत ही अमेलिशियस भी है। तो बाकी बात मैं इसे ख़त्म करने के बाद करता हूँ, तो तब तक के लिए आप इंजॉय कीजिए। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट मुझे कौन सी टॉपिक में वीडियो बनाना है ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। अपना प्यार मेरे साथ ऐसे ही बरकरार रखिए। अगर अपनी इस फैमिली का हिस्सा नहीं बनाया तो प्लीज़ नीचे जाके सब्सक्राइब बटन में सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बने। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर ले, क्योंकि मैं वीडियो बाद में यूट्यूब में पोस्ट करता हूँ, पहले मैं अपडेट इंस्टाग्राम में सबको देता हूँ। सो प्लीज़ वहाँ पर आप फॉलो करके मुझे पहले नोटिफाइड रहे। कि मैं बाहर जाता हूँ तो देखता हूँ बहुत सारे स्ट्रीट डॉग को आप लोग लात से मारते हैं, डंडे से मारते हैं, उसके ऊपर पानी फेंकते हैं। तो प्लीज़ अगर ऐसा करते हैं तो प्लीज़ मत कीजिए। वो भी एक ह्यूमन क्रिएचर है, वो भी ईश्वर का बनाया हुआ एक जानवर है। सो प्लीज़ अगर आप उसे खाना नहीं दे सकते तो प्लीज़ उसे मारे भी ना। मैं देखता हूँ बेचारे बहुत सारे वो गाड़ी से चप जाते हैं या कोई इन्हें लात से मारता है, बच्चा उन्हें भाड़ फेंक के मारते हैं। तो प्लीज़ अगर आप ऐसे देखिए या सब करते हैं तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए।
क्योंकि वो भी एक इंसानी की तरह जान सांस है, उसके भी अंदर जान है। सो प्लीज आप ये सब मत करें। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, भारत को स्वच्छ रखें, अपने आसपास में सफाई रखें, अच्छे से रहें, अच्छे से खाएं, बड़ों का आदर करें, छोटों को प्यार करें, और बस चलता हूँ। गॉड ब्लेस यू, बाय।